الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم گزشتہ دو ہفتوں سے تقریباً نفس سے متعلق بات چل رہی تھی، نفس کی اصلاح اور اس کا تزکیہ۔ نفس کیا چیز ہے اور کسے کہتے ہیں؟ نفس کا لفظ مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے۔ نفس ایک ذات کو بھی کہتے ہیں جسے ہم ایک شخصیت کا نام دے سکتے ہیں، اور پروردگار عالم اس کی بھی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ لفظ مکمل انسان کے لیے بھی استعمال فرمایا اور انسانی جان کے لیے بھی استعمال فرمایا، اور یہ لفظ اللہ رب العزت نے اپنے لیے بھی استعمال فرمایا۔ قرآن حکیم میں سورۃ آل عمران میں ارشاد فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتے ہیں اپنی ذات سے، نفس سے مراد ذات، اپنی ذات سے تمہیں ڈراتے ہیں، یعنی مجھ سے ڈر جاؤ۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ اس نے لکھ دیا ہے اپنے ذات کے لیے مہربانی کو، رحمت کو۔ تو اس کا ایک معنی تو وہ ذات، دوسرا معنی اس کا شخصیت، انسان ایک مکمل شخصیت رکھتا ہے، تو انسان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا، اور انسان کے اندر جو جان ہے جسے ہم روح کہتے ہیں، وہ ہے تو انسان زندہ ہے، وہ نکل جائے تو انسان مردہ ہے، لاش بن جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا۔ قرآن حکیم میں فرمایا کہ جب بدکار لوگ، کفار لوگ، جب ان کا وقت آخر آتا ہے اور فرشتے آتے ہیں ان کے پاس ان کی جان نکالنے کے لیے، تو وہ اسے کہتے ہیں مخاطب کر کے اخرجو انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو، ہمارے حوالے کرو، اب ہم تمہیں عذاب کی طرف لے جائیں گے جو رب تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا۔ تو انسانی جان کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا، انسان کی شخصیت کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا، لیکن تصوف میں یہ نام ہے اس چیز کا جو انسانی وجود کے اندر خواہشات کو جنم دیتی ہے، جیسے دل ہے، اس کا اپنا مقام ہے، اور اسی مقام پہ رہتے ہوئے اس کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں، اچھے جذبات بھی ہیں، برے جذبات بھی ہیں، اچھی عادات بھی ہیں، بری عادات بھی ہیں۔
अच्छी खसलत भी है, बुरी खसलतें भी हैं। नफ्स के अंदर ख्वाहिशात पैदा होती हैं। अब वो ख्वाहिशात अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। कुछ ख्वाहिशात वो हैं जो बुरी हैं, कुछ वो हैं जो अच्छी हैं। यानी नफ्स, कुछ वो नफूस हैं जिनके अंदर अच्छी ख्वाहिशात जन्म लेती हैं, और कुछ वो हैं जिनके अंदर बुरी ख्वाहिशात जन्म लेती हैं। अब इन ख्वाहिशात को कंट्रोल करना, काबू में रखना, ताकि ये ख्वाहिशात अगर बुरी हैं तो उनको अच्छाई की तरफ राग़िब कर दिया जाए, इतना काबू कर दिया जाए नफ्स को कि उसके अंदर बुरी ख्वाहिशात पैदा ही न हो, वही नफ्स हो लेकिन बजाय बुराई की तरफ हमें नेकी की तरफ ले जाए। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता उस वक्त तक जब तक के वो अपनी ख्वाहिशात को उस चीज़ के ताबे न कर दे जो मैं लेकर आया हूँ। अपने ख्वाहिशात का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, ये नहीं कि अपने आप को, अपनी ख्वाहिशात को, यानी हर उठने वाली, पैदा होने वाली, सर उठाने वाली ख्वाहिश फरमाया कि मेरी लाई हुई शरीयत के मुताबिक। जब इस नहज पे आएगा तो पक्का मोमिन होगा, ईमानदार कहलाएगा। तो वो नफ्स जब इंसान को गुनाह और बुराई की तरफ उभारता है, कुरान हकीम में से सूफिया हजरात ने नफ्स की तीन किस्में दी हैं कि नफ्स की तीन अकसाम हैं। पहली किस्म 13वें पारे से ली है, सूरत यूसुफ 13वें पारे की पहली आयत, इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, फरमाया कि एक नफ्स नफ्स अम्मारा है, और नफ्स अम्मारा वो नफ्स है कि जो हर वक्त बुराई और गुनाह की तरफ इंसान को ले जाता है। हर काम गुनाह का वो उसे कराएगा, जिसका नफ्स नफ्स अम्मारा है वो उसे गुनाह ही कराता रहेगा, नेकी की तरफ नहीं जाने देगा, हर वक्त गुनाह कराता रहेगा, यहाँ तक कि वो गुनाह ऐसा करेगा, अपने नफ्स की ख्वाहिश पर इतना अमल करेगा और अपने नफ्स की बात को इतना मानने लग जाता है कि परवरदिगार आलम ने इसके बारे में फरमाया ऐसे शख्स के बारे में, अफराईत मन इत्तखज़ा इलाहहु हवा, आपने उस शख्स को देखा है जिसने अपना माबूद अपने ख्वाहिशात को बना रखा। यानी जैसा हुक्म माबूद का मानना चाहिए, जैसा हुक्म अल्लाह का मानना चाहिए था, ये उस तरीके से हुक्म अपनी ख्वाहिशात का मान रहा है। और एक दूसरे मकाम पे फरमाया कि ख्वाहिशात पर चलने वाला, नफ्स अम्मारा की पैरवी करने वाला, उसकी मिसाल दी है कुरान हकीम ने एक मकाम पर, कि वत्तबा हवा, उसने पैरवी की अपनी ख्वाहिशात की, फमसलहु कमसलिल कल्ब, उसकी मिसाल कुत्ते की मिसाल, कुरान हकीम में कुत्ते की मिसाल से ताबीर किया है जो ख्वाहिशात के पीछे चल रहा है। तो नफ्स अम्मारा, वो नफ्स जो हर वक्त इंसान को गुनाह की तरफ इरागिब करे, और आगे शैतान को बैठा है नहीं, वो तो नफ्स उसको इशारा देता है, वो आ जाता है, वो गुनाहों को मुजय्यन करके पेश करता है। अगर कोई डराता भी है कि ऐसा ना करो, नुकसान होगा, पकड़े जाओगे, मारे जाओगे, शैतान आगे से कई तावीलें पेश करते हैं, यार कुछ नहीं होता, कौन देख रहा है, कौन बताएगा किसी को, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई तरह क्या बिगाड़ लेगा। वो इस तरीके से इसको मुतमईन कर देते हैं और नफ्स उसी बुराई पर इसको लगाए रखता है। और फिर अगर
नफ्स पर कुछ मेहनत कर ली जाए। फिर एक दूसरी किस्म है नफ्स की, जिसे नफ्स लवामा कहते हैं। ला उक्सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक्सिमु बिन्नफ्स लवामा। कुरान हकीम यहाँ से लिया गया है, नफ्स लवामा। लवामा का लफ्ज़ निकला है मलामत से, यानी एक वक्त आता है कि इंसान का नफ्स कुछ तब्दील होता है, उसके अंदर कुछ तब्दीली आ जाती है। वो बाज़ों का ऐसी महफिलों में बैठने की वजह से, उनको मामूली न समझा करो, ये मजलिसें मामूली नहीं होती जहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें होती हैं, जहाँ नेक लोग बैठे होते हैं सारे। इन मजलिसों का अपना असर होता है। ऐसी मजलिस हो या किसी एक ऐसे अल्लाह वाले, किसी ऐसे मुखलिस बामल आमिल की, आप आलिम की आपने खिदमत कर ली, बामल आलिम आपने उसकी खिदमत कर ली, कोई काम कर दिया, उसने दिल से दुआ दे दी, ये वजह हो सकती है। कभी कोई और खिदमत ऐसी कर ली अल्लाह की मखलूक की, अल्लाह को पसंद आ गई, रब तआला की कोई ख़ास मेहरबानी हुई, तो ये चंद वजूहात होती हैं जिनकी बिना पर नफ्स अम्मारा के अंदर कुछ तब्दीली आती है। और वो तब्दीली जब आती है तो फिर इंसान को अपना नफ्स मलामत करने लगता है कि यार क्या कर रहे हो तुम। मसलन यहाँ पे आ गए, अब देख रहे हैं सबको, वापस जाकर नफ्स कहता है क्या कर रहे हैं, कितनी उम्र हो गई तुम्हारी, नमाज तुम नहीं पढ़ते, रोज़ा तुम नहीं रखते, सारा दिन गुनाहों में गुजारते हो, फलाँ को देखो वहाँ कितना नेक आदमी है, नमाज की पाबंदी करता है, तुमने कभी कुरान पाक को खोल कर नहीं देखा, वो देखो तिलावत रोज़ाना सुबह सुबह कुरान उठाकर बैठा होता है, उसके घर से आवाज़ आ रही होती है तिलावत कलाम पाक की, नफ्स मलामत करता है। इसी को कहते हैं नफ्स लवामा, ये मलामत करता है, उसे कहता है इतनी उम्र गुजर गई, पता नहीं कितनी बाकी है, कब तक लगे रहोगे गुनाहों में, छोड़ दो आपको, अब तो इस रास्ते को छोड़ दो, अब तो इन हरकतों से बाज आ जाओ, सारी ज़िंदगी झूठ बोल बोल कर कमाते रहे हो, हलाल और हराम की तमीज़ नहीं रखी, देखो नेक लोग आते हैं तुम्हारे घर का खाना नहीं खाते, तुम्हारे घर चाय पीना गवारा नहीं करते, कब तक ऐसा करोगे तुम, नफ्स मलामत करता है। ये नफ्स लवामा है, वो इंसान को राग़िब करता है इस तरफ की तौबा करे, ये माफ़ी मांगे, और फिर इंसान अगर नादिम हो जाता है, शर्मिंदा हो जाता है, तौबा कर लेता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ कुर्ब हासिल करने के लिए चल पड़ता है और मेहनत और मुशक्क़त करता है, गुनाहों से अपने आप को बचा लेता है, तो फिर उसका नफ्स नफ्स मुतमईना बन जाता है। ये फिर वो नफ्स है कि जिस तरह नफ्स अम्मारा गुनाहों की तरफ खींच कर ले जाता है, नफ्स मुतमईना नेकियों की तरफ खींच कर ले आता है। नफ्स मुतमईना फिर गुनाह नहीं होने देता, ये नफ्स फिर अल्लाह की नाफरमानी नहीं होने देता, ये नफ्स फिर नेकी की तरफ चलाता है और नेकी की तरगीब देता है। मुतमईना और ऐसा मुतमईना बन जाता है कि रब के फैसलों पर भी राज़ी होता है, रब की कज़ा पर भी राज़ी होता है। जो अमारा होता है उसमें नाशुक्री होती है, हर बात पे नाशुक्री, हर नेमत पर नाशुक्री, लेकिन जब ये नफ्स नफ्स मुतमईना बन जाए तो फिर हर बात पे राज़ी, हर बात पे शुक्र। लेकिन फरमाते हैं कि इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, नफ्स को काबू करने के लिए, इसकी ख्वाहिशात को दबाने के लिए,
محنت کرنی پڑتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شعرائے آفاق کتاب میں احیاء العلوم کے اندر وہ لکھتے ہیں، انہوں نے ہر عنوان سے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ تقریباً 500 کے قریب کتابیں لکھی انہوں نے ہر عنوان پر، تصوف پر بہت کچھ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ چار باتیں ہیں، چار شرطیں ہیں، ان پر انسان عمل پیرا ہو جائے اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے اور اسے اپنے کنٹرول میں رکھے، ان چار باتوں کے ذریعے سے، چار چیزوں کے ذریعے سے، چار شرائط کے ذریعے سے۔ اور اس میں پہلی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ شرط لگائے، معاہدہ کرے کہ گناہ نہیں کرنا، نافرمانی نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا، حرام نہیں کھانا، نماز نہیں چھوڑنی، ایک معاہدہ کرے، مشارطہ، شرط رکھے۔ اور اس کا دوسرا نام آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ توبہ کر لیں، شرط تو یہ ہوگی نا، یہ تب ہوتا ہے نا کہ توبہ کے لیے شرائط ہے نا، تو اس میں یہ شرط بھی ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم، سابقہ پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ ہو، تب تو وہ توبہ ہے، اور آئندہ بھی کرنے کا ارادہ ہے تو پھر تو توبہ نہیں ہے۔ تو یہ شرط رکھے اپنے نفس کے ساتھ، یعنی اس بات کا پابند بنانے کا معاہدہ کرے نفس کے ساتھ کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، گناہ نہیں کرنا بس۔ دوسری چیز فرمایا مراقبہ، مراقبات ہوتی ہے نا، اور جیسے پہلے عرض کیا تھا آپ کو یاد ہوگا مراقبہ، اس عنوان سے گفتگو ہوئی تھی کہ مراقبے کا معنی ہے نگرانی کرنا، نگرانی کرنا، تو اپنے نفس کی نگرانی کرنا ہر چند لمحوں کے بعد متوجہ ہو جائے نفس کس طرف جا رہا ہے، خواہش کون سی پیدا ہو رہی ہے، گناہ کی طرف تو نہیں لے جا رہا، اللہ کی نافرمانی کی طرف تو مجھے راغب نہیں کر رہا، اس کی نگرانی کرنا قابو میں رکھنے کے لیے، اس پر کنٹرول پانے کے لیے۔ اور تیسری چیز فرمایا وہ ہے محاسبہ، محاسبہ حساب کرنا۔ دکاندار حضرات بھی تو شام کو حساب کرتے ہیں نا، روزانہ اپنے کھاتے چیک کرتے ہیں، سارا حساب کرتے ہیں، تو روزانہ رات کو سونے سے پہلے محاسبہ کرنا، تنہائی میں بیٹھ کر چند لمحے سوچنا آج میں نے نیکیاں کون سی کی ہیں، گناہ کون سے کیے، جو نیکی کے کام کیے ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ آپ کی توفیق سے ہوا ورنہ میں اس قابل نہ تھا، جو کچھ ہوا، جو نیکی ہوئی آپ کی توفیق سے ہوئی ہے، اور جو غلطیاں ہوئیں، جو گناہ ہوئے، ان پر ندامت کے آنسو بہا لینا، معافی طلب کر لینا، استغفار کر لینا، یہ محاسبہ روزانہ کا۔ اور چوتھی چیز فرمایا کہ وہ ہے مواخذہ، مواخذے کے معنی پکڑنا، سزا دینا، نفس کو سزا دینا، اگر کوئی غلطی اس نے کرائی ہے، کوئی خواہش غلط ابھری، آپ نے عمل کر لیا، اب نفس کو سزا دینا، اور وہ سزا لاٹھی کے ذریعے نہیں ہے، وہ سزا کسی اور طریقے سے نہیں بلکہ عبادت کا بوجھ ڈال کر اس کو سزا دینا، عبادت کا بوجھ ڈال کر اس کو سزا دینا، جو پہلے لوگ ہوا کرتے تھے نا۔ تو وہ سوچا کرتے تھے ہر معاملے میں، گناہ کرنے سے پہلے، غلطی کرنے سے پہلے وہ سوچتے تھے کہ اس پر پھر آگے کیا ہوگا، یعنی پہلے اپنے نفس کا حساب بھی کرتے تھے، مراقبہ بھی کرتے تھے، اور نفس کو پہلے ٹٹولا کرتے تھے کہ دیکھ لو خواہش تو اٹھ رہی ہے، تم اس طرف مجھے راغب کر رہے ہو، لے جا رہے ہو، آگے انجام کیا ہونے والا ہے۔ تو جس طرح
किताबों में लिखा है ना कि एक सर्द रात थी, बारिश थी, तूफान था। एक नौजवान एक मकान में अपनी रिहायशगाह में तन्हा रहता था। शाम का वक्त था, अंधेरा फैला हुआ, तूफानी रात, बारिश, ठंडी हवाएं। एक नौजवान औरत दरवाजे पे आ गई, दस्तक दी और इजाज़त तलब की अंदर आने की। अब इस मौसम में कैसे उसे ठुकरा सकता था, इजाज़त दे दी। जब वो अंदर आ गई, अब दो हैं, दोनों जवान, चिराग जल रहा था। वो नौजवान बैठा है, नज़र उठती है औरत की तरफ, फिर अपनी उंगली चिराग के ऊपर ऐसे पकड़ लेता है, वो जलने लगती है तो फिर हटा लेता है, फिर नज़र उठती है उस तरफ तो फिर उंगली चिराग पर, जलने लगती है फिर हटा देता है। सुबह हुई तो उसकी उंगली सारी जल चुकी थी, रोशनी फैली। उसने खातून से कहा कि आप जा सकती हैं, अब जहाँ घर है आपका, जहाँ जाना चाहती है, अब तो रास्ता खुल गया, मतलब साफ है, मौसम भी साफ हो गया है, सूरज भी निकल आया, आप जा सकती हैं। उसने कहा मैं जाऊँगी तो ज़रूर, लेकिन एक सवाल का जवाब मुझे दे दें कि मैं भी रात भर आपको देखती रही, बार बार चिराग पर आप उंगली पकड़ते रहे, आपका हाथ जल गया, ये क्यों? तो जवान कहने लगा, पूछना चाहती हो? उसने कहा जी मुझे बताएं। उसने कहा इसमें राज ये है कि आप और मैं दोनों तन्हा थे इस कमरे में, इस मकान में कोई देखने वाला नहीं था। शैतान बार बार तुझे मुजय्यन करके मेरे सामने ला रहा था, नफ्स मुझे ख़ता पर उभार रहा था, लेकिन मैं उंगली चिराग पर रखता, अपने नफ्स से कहता कि देख लो, आग बर्दाश्त कर लोगे? आग बर्दाश्त कर सकते हो? तो बर्दाश्त न हो सकती, उंगली खींच लेता, नफ्स भी ठंडा हो जाता। कुछ देर बाद फिर वो कैफियत होती, फिर मैं उंगली पकड़ता कि जब दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं होती, जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करूँगा। वो लोग सोचा करते थे गुनाह से पहले, गलती से पहले वो सोचते थे कि क्या हम वो सज़ा बर्दाश्त भी कर सकेंगे, वो सज़ा झील भी सकेंगे। इसलिए फरमाया कि अपने नफ्स का मुआवजा भी करो, मुराकबा भी करो, मुहासबा भी रोज़ाना करो, और इसके साथ शर्त भी लगाओ कि अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी। और जब इंसान ये चार शर्तें लगा लेता है और ये चार पाबंदियां लगा लेता है अपने आप पर, तो फिर ये नफ्स इंसान के कंट्रोल में आ जाता है। फिर वो नफ्स अमारा हो या नफ्स लवामा हो, फिर वो नफ्स मुतमईना बन जाता है, फिर इंसान कामयाबी की तरफ रागिब होता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाबी रखी उसी के लिए आगे जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। जिस तरह हुक्म दिया गया है ना कि लिबास को पाक रखो, जिस्म को पाक साफ रखो, जगह को साफ पाक रखो, इसी तरह हुक्म दिया गया है अपने नफ्स को भी पाक रखो, अपने नफ्स को भी साफ रखो, लिबास भी तुम्हारा पाक हो, जिस्म भी तुम्हारा पाक हो, नफ्स भी तुम्हारा पाक हो, उसके अंदर भी पाकीज़गी आ जाए। और उसके अंदर पाकीज़गी आती है मेहनत से, मुशक्कत से। तो अगर गलती हो जाए कहीं पर, तो फिर नफ्स का मुआवजा करना, यानी इस पर इबादत का बोझ डाल देना, ये इसकी सज़ा है, और कोई सज़ा का तरीका नहीं है। डंडे नहीं मारने उसे, लाठियां नहीं मारनी उसको, गालियां नहीं देनी, बल्कि इबादत का बोझ इस पर डालना कि तुमने गलत काम किया, लिहाजा सज़ा है तुम। आज तुमने मगरब से लेकर इशा तक तिलावत करनी है, मस्जिद में बैठना है, बस नहीं जाना बाहर। आज तुमने गलती कर ली है, लिहाजा आज इशा के बाद तुमने 12 रकात नफल पढ़ने का बोझ डालो उस। और इसी से ये कमज़ोर पड़ता है, इसी से इसके अंदर कमज़ोरी आती है नफ्स के अंदर, और इसी से इंसान की रूहानी कुव्वत मजबूत होती है। लेकिन इसके लिए मुस्तकिल मिजाजी चाहिए, मुस्तकिल मिजाजी से अगर इस पर अमल किया जाए तो ये नफ्स हमारा काबू में आ सकता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे नफ्स को नफ्स मुतमईना बना दे, ताकि हमें ये नेकी की तरफ रागिब करने वाला हो। इसमें उठने वाली ख्वाहिशात हमारी नेकी की तरफ होनी चाहिए, बुराई और गुनाह की तरफ नहीं होनी चाहिए। वो एक अल्लाह वाले की जब वफात का वक्त करीब आया ना, तो दरवाज़े पे दस्तक हुई। उस वक्त वो अकेले थे और बेटा साथ बैठा हुआ था। फरमाया बेटे जाओ जाकर देखो,
दरवाज़े पर कौन है। जब वो दरवाज़े पे गया तो वहाँ पर एक ख़ूबसूरत नूरानी चेहरे वाला जवान खड़ा था। उसने एक हुक्का दिया कि अपने वाले साहब को दे दो। वो हुक्का लेकर जब अंदर आने लगा तो अंदर से आवाज़ आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इर्जिई इला रब्बिक राज़ियतन मर्ज़िया फ़दखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। आवाज़ सुनी इसने अंदर से, अंदर तो कोई नहीं था, वाले सब अकेले थे, आवाज़ कैसी आ रही है। अंदर पहुँचे, वाले सब की रूह परवाज़ कर चुकी थी, नफ्स मुतमइन्ना चली गई थी। जब वापस दरवाजे पर आए तो ख़त लाने वाला भी गायब था। जब ख़त खोल कर देखा तो उस पर यही आयत लिखी हुई थी। तो नफ्स मुतमइन्ना जब बन जाए तो फरिश्ते फिर इस हाल में आते हैं, खुशखबरियाँ सुनाते हुए आते हैं और बशारतें सुनाकर उसे बागात की तरफ और नेमतों की तरफ ले जाती हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें नफ्स मुतमइन्ना अता फरमाए।